हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जैसा मैंने आपको बताया था, तो मैं गई थी बाहर और वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं जैसे अपनी यूनियन में हूँ, तो वहाँ जब सम्मेलन होता है तो वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होती कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो मैं इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई थी, सॉरी। तो और मैं कह रही हूँ पटेली से, 2 तारीख को, 2 दिसंबर को मैं पहुँच रही हूँ, और पहुँच के मैं वीडियो बनाऊंगी, कहूंगी। जो तू तो कह दिया अब क्या, तेरा तो असलियत सामने आ गई, तू झूठी है। हाँ, लेकिन बिफोर 4 मंथ मैंने जो कहा था उस टाइम तो झूठी साबित नहीं हुई थी। लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं आऊंगी नवंबर दिसंबर में, मैंने झूठ नहीं बोला था तेरी तरह। तो मेरी 2 तारीख की फ्लाइट है और मैं 2 तारीख को पहुँच जाऊँगी। मैं जा रही हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु में मदुरई। तो मैंने कहा था ना, अगर तू कहे तो आ जाना, और तू मुझे कहे तो मैं आ जाऊँगी। क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं ना सच कहते हैं। पहले कह दिया था तो तूने ये बात कही थी कि मैं तो 4 महीने इंतजार करूंगी क्या? अरे, तेरा तो इंतजार ऊपर वाले ने बिल्कुल भी नहीं किया, तेरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज मैं बात करती हूँ दीपिका कक्कड़ की। दीपिका कक्कड़ जानी मानी टीवी स्टार, सोशल मीडिया पर हस्ती, एक बहुत अलग हक अदा कर दिया दीपिका कक्कड़। देखकर दिल बाग बाग हो गया। कौन सी ऐसी वीडियो नहीं हुई जो दीपिका काम कर रही थी और मेरा दिल नहीं भरा। ये होते हैं संस्कार माँ बापों के, ये माँ बाप के संस्कार होते हैं कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं। मैं करूँगी दीपिका कक्कड़ के लिए, बहुत कम है ये, तो बहुत कम है। हक अदा उस लड़की ने कर दिया। देखिए, लड़की जब अपने परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाती है, हिंदू धर्म की लड़की हिंदू धर्म में ही जाती है, तब भी उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ये लड़की दूसरे धर्म की होकर एक दूसरे धर्म में गई, लेकिन उसने अपना कैसे बना लिया सबको पता ही नहीं चला। उसने सबको अपना बना लिया, उसकी बिना मर्जी के इतना काम नहीं होता। ननद अगर गाड़ी खरीदने जाती है तो भाभी से पूछती है, ननद अगर फ्लैट खरीदती है तो भाभी से बात करती है, ननद कोई चीज़ का काम करती है तो अपनी भाभी से बात करती है। ये होता है दिलों में जगह बनाने की बात। हक अदा कर दिया, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी बहू, और उम्मीद है 101% एक अच्छी माँ भी वो बनेगी। दुआ करती हूँ मैं ऊपर वाले से। दिल खुश हो गया। उसने कहा ना सबाई बिरयानी, मैंने एक एक वीडियो देखी है। मैं एक्शन और रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, हर एक का बनाती हूँ। एक एक वीडियो देखी है, इस पे मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाथों हाथ नहीं बनानी थी, जब काम निमट जाएगा मैंने कहा मैं जब बनाऊंगी। ये देखिए, वहाँ पहले से ही उसने 6 महीने पहले से तैयारी कर दी थी शादी की, 4 महीने पहले से, अगस्त सितंबर से उसने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। और एक बात देखिए, जो वो ड्रेस करती है ना, जो ड्रेस डिजाइन करती है वो रेडीमेड, उसने किसी भी डिजाइनर की डिजाइन की हुई ड्रेस नहीं पहनी थी, सारी अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। शोएब को भी वो अपने ही डिजाइन के हुए कपड़े बनवाती है, कपड़ा खरीद के लाती है, फिर डिजाइन करती है, डिजाइन करके सिलवाती है। शादी की बारात के वेलकम की क्या तैयारी, हल्दी की क्या तैयारी, मेहंदी की क्या तैयारी। वाह दीपिका, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है ना, प्राइड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड करती हूँ मैं। क्या संस्कार है तुम्हारे अंदर। मैं जानती हूँ कि तुम और बहनें हो सब ऐसे नहीं होंगी। कुछ कभी कभी मुझे भी लगता है, जब मैं वीडियो देखती हूँ ना उनकी, मुझे भी लगता है कुछ ज़्यादा नहीं करती, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन नहीं, जब ये बिग बॉस में गई थी तो इन्होंने एक बात कही थी, जब पूछा था इस पैसे का आप क्या करोगे, तो उसने कहा था मैं इस पैसे का अपनी सास के लिए घर लेकर दूंगी। याद है मुझे, क्योंकि बिग बॉस मैं देखती हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, रियली दिल खुश हो गया। हो क्या गया, हो ही तुम ऐसी, मतलब नहीं, इतना तो शायद कोई नहीं कर सकता। सही कहा सबा ने, मेरा दिल भर रहा है बोल बोल के कि भाभी वाकई में तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं इतनी वीडियो देखती हूँ, घरों में झगड़े लड़ाई सब कुछ होता है, लेकिन उसने पूरी समर्पित अपने को उनके लिए कर दिया और उन्हें अपने अंदर कर लिया।
एक बात और कहूंगी, उसे भरपूर प्यार भी मिल रहा है। कहते हैं ना, ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। वो एक अलग बात है कि आप 70% दोगे तो हम 30% देंगे, या वो 30% देंगे तो हम 70% देंगे, लेकिन कोई 100% देता है तो बदले में उसे 101% मिलता है। दो ना, लेकिन थोड़ा। ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी है तो आप बोलेंगे, आपकी मर्जी है तो आप लड़ाई करेंगे, आपकी मर्जी है तो आप कुछ भी करेंगे। सामने वाला बेवकूफ नहीं होता। कब तक? तो मैं बस इतना छोटी वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही, क्योंकि आज मुझे ऑफिस निकलना है और स्कूल निकलना है, और वहाँ 2-3 काम पेंडिंग में पड़े हैं वो करने हैं। और आगे भी बनाऊँगी, सभा के बारे में भी बोलूँगी। परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है 1-2 वीडियो मैं डाल भी दूँ उनकी, डाउनलोड करके। मैं डालती नहीं हूँ, मैं अपनी ही एक्शन रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना कोई चीज़ ऐसे दिल को छू जाती है। जैसे वो कह रही थी ना सभा कि अपने मेकअप का तक का ध्यान नहीं था, अपने कपड़ों तक का ध्यान नहीं था, भागी भागी। इसको भी देखना, कभी लोग कहते हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, हाँ लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हम सब लोग कहते हैं हम सबको खुश नहीं कर, लेकिन कोशिश कर सकते हैं सबको खुश रखने की। ऐसा नहीं है कोशिश नहीं कर सकते, कि आप कोशिश करो, क्या पता आपको बदले में प्यार मिले। लेकिन हक अदा कर दिया दीपिका कक्कड़ तुमने, दीपी तुमने हक अदा कर दिया, रियली हक अदा कर दिया तुमने। बहुत अच्छे हैं आप। देखिए, अपने परिवार में, अपने महके में तो हर कोई करता है। ससुराल को अपना बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और जो बना लेता है वो एक संस्कार होते हैं, एक माँ के संस्कार होते हैं। इमोशनल लड़की है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है वो, लेकिन निखर के जो आई है ना, अंदर का जो निकल के आया है कि वो अंदर से कैसी है। आज तक हम ससुराल सिमर का देखते थे, लेकिन आज हमने ससुराल दीपी का भी देख लिया। और ससुराल दीपी के में उसने सेम वही का वही करता है। कहते हैं ना, जैसे जो किरदार निभाता है, वो किरदार की जो बात होती है ना, वो अंदर आ जाती है। वो ससुराल सिमर का निभा रही थी, वो किरदार उनके अंदर है, वो तभी निभा रही थी। आदमी वही करता है जो उसके अंदर होता है। उसके अंदर, उनके अंदर जो था वो उन्होंने ससुराल सिमर में दिखाया, और जो वो उनके अंदर था वो उन्होंने ससुराल दीपी में निभाया। वाह दीपी, वाह, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और थोड़ा सा बोलूँगी, वो बोलूँगी मैं कल। मिलती हूँ आपको कल को एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, मेरी बातें पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट, मेरी वीडियो को शेयर। ओके, बाय।